नमस्कार दोस्तों, साहित्य की ओर में आज की कहानी है ममता कालिया जी द्वारा लिखी गई कहानी 25 साल की लड़की। राजा राम इस वक्त छुट्टी पर है, 6 बजे आएगा। मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ, तब तक तुम अखबार पढ़ो, मिसेस शर्मा ने कहा और रसोई में चली गई। राजा राम दफ्तर का वह चपरासी है जो सिर्फ रजिस्टर पर हाजिर रहता है, उसे इस बात की कोई शर्म नहीं, शर्म साहब को भी नहीं। राजा राम को तो घमंड ही है, साहब को भी घमंड है। मैं तो आज पहली बार सोफे वाले कमरे तक आई हूँ, राजा राम की पैठ रसोई तक है। अक्सर तो मैं बरामदे से ही वापस गई हूँ, मातहत होते हुए भी मुझे तुम संबोधन अखर गया। मिसेस शर्मा के वाक में आत्मीयता से अधिक आदेश था। दरअसल मुझे पता ही नहीं चलता कब मिसेस शर्मा आत्मीय हो जाती हैं, कब अफसराना। मैं हर बार चपेट में आ जाती हूँ। इस वक्त दिन के 4:30 बजे थे, यह अखबार पढ़ने का वक्त कतई नहीं था। कुछ लोग हर वक्त अखबार पढ़ सकते हैं, एक बार पढ़कर उनकी तसल्ली नहीं होती। वे टिफिन बॉक्स के साथ तहाकर अखबार दफ्तर ले जाते हैं, दफ्तर में वे मेज पर वही अखबार बिछाकर खाना खाते हैं और शाम फिर उसे टिफिन बॉक्स के साथ मोड़कर वापस ले जाते हैं। रात खाना खाने के बाद अखबार अध्ययन की एक और किस्त के दौरान वे पढ़ते पढ़ते उसे ओढ़कर सो जाते हैं। उन्हें देखकर यही लगता है कि ये भयंकर प्रबुद्ध हैं, जबकि ऐसे लोगों की दुनिया के बारे में कोई राय नहीं होती। मैं अखबार को उतनी ही फुर्ती से निपटाती हूँ जितनी फुर्ती से नहाती हूँ। उसके पहले का समय घनघोर आलस का होता है। दरअसल सुबह मेरी नींद ना अखबार वाले से खुलती है, न दूध वाले से। दोनों अपना अपना माल पड़ोसियों की ईमानदारी के भरोसे बरामदे में छोड़ जाते। वर्षों से मुझे जगाने का काम देवकी नंदन पांडे और शिव सागर मिश्र कर रहे थे। नहीं, मैं समाचार नहीं सुनती। उनकी गुरु गंभीर आवाज कान में पड़ते ही अफरा तफरी का एक पूरा खाका मेरे सामने खींच जाता। उठो, नहाओ, खाओ और जाओ। बस छुट्टी, देर हुई, देर से दुर्घटना भली। 5 मिनट बीतने पर भी मिसेस शर्मा प्रकट नहीं हुई। मैंने कल्पना की कि मिसेस शर्मा पहले स्टोव जलाने की कोशिश की होगी, असफल होने पर वे छोटी गैस से भिड़ रही होंगी। शायद यह अंदाज गलत हो, शायद वे अतिरिक्त संवेदनशीलता से चाय बना रही थी। अभी कुछ देर पहले मैंने पास रखे बेगम अख्तर के LP को हसरत से देखा था तो उन्होंने कहा था, हमारा स्टीरियो तो बड़ा सेंसिटिव है, झट सुई निकल जाती है, मैं खुद कभी हाथ नहीं लगाती। मैं वहीं जाम हो गई थी। टेलीफोन इस्तेमाल करने की कोशिश का भी यही हस्र हुआ था। मैं उपनिदेशक जी को सूचित करना चाहती थी कि निदेशक जी अभी नहीं लौटे हैं, पर मिसेस शर्मा ने फौरन टोक दिया। जाने कैसा फोन है यह, बड़ी जल्दी बिगड़ता है, एक बार बिगड़े तो जल्दी ठीक भी नहीं होता। फ़ोन के बिना तो उनका 1 मिनट गुजारा नहीं। अब बैठे बैठे मुझे दहशत हो रही थी। इतनी सेंसिटिव चीज़ों के बीच मुझे कैसा बर्ताव करना चाहिए समझ नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि टॉयलेट में जाकर मैंने कमोड इस्तेमाल करने के बाद फ्लश की जंजीर को हाथ भी नहीं लगाया, कहीं यह भी सेंसिटिव हो और मिसेस शर्मा दौड़ी आए। तय दरअसल यह करना था कि फ्लश ज़्यादा सेंसिटिव था या मिसेस शर्मा की नाक। न जाने क्यों मेरे दिमाग में संवेदनशीलता की तस्वीर केवल दुबलेपन की थी। मोटे थुलथुल लोगों को संवेदनशील मानना मेरी संवेदनशीलता को गवारा न था। हालांकि कुछ दुबले लोग भी खासे चीमड़ किस्म के होते होंगे, पर यह एक ख्याल था जो मेरे मन में सिद्धांत बनता जा रहा था। मिसेस शर्मा का स्वास्थ्य अतिरिक्त उत्तम था, जैसा अक्सर दुबले पुरुषों की पत्नियों का होता है। उनका दाम्पत्य जीवन तालमेल से शुरू होकर घालमेल पर जा पहुंचा लगता था। शर्मा जी अब अपनी पत्नी के छोटे भाई या देवर लगने लगे थे। छोटा कद, हल्का बदन और पतले चेहरे वाले शर्मा जी निदेशक की बजाय निदेशक के पीए लगते। मिसेस शर्मा ने इस बीच डाइटिंग की कोशिश क्यों नहीं की, यह सोचने का विषय था। विवाह के समय का शर्मा दंपत्ति का एक चित्र कमरे में सजा था, जिसमें शर्मा जी तो कमोवेश वैसे ही लग रहे थे जैसे अब
किंतु मिसेस शर्मा पहचान में नहीं आ रही थी। उस चित्र में आंखें झुकाए हुए सलज सुंदर और सुडौल लग रही थी। अब यह कहना मुश्किल था कि उन्होंने समय का दुरुपयोग ज़्यादा किया या समय ने उनका। लो पियो के आदेश के साथ मेरे सामने एक प्याला चाय आ गई, बनी बनाई। चाय के भूरे रंग को दूध चीनी के मेल से सुनहरा होते देखने का अबोध आश्चर्य कुचल गया। यह नन्ही अयासी मुझे कितनी प्रिय है कैसे बताऊं? आप? मैंने पूछा। मेरा व्रत है, सूचित करने के बाद वे ठीक मेरे सामने बैठ गईं। एकाएक मुझे वे दिन याद आ गए जब माँ इस तरह सामने बैठकर हम बच्चों को दवा पिलाती थी। हमें इधर उधर हिलने का मौका दिए बगैर वे एक कठोर नर्स की तरह काम खत्म कर चल देती। दवा कसैली के साथ साथ विषैली भी लगती, देर तक बदन में झुरझुरी और मुंह में उल्टी आती रहती। यहाँ तो मामला और भी विकट था। हथिनी आकार, शेर मुखाकृति और लोमड़ दृष्टि वाली मिसेस शर्मा अपने समस्त जप तप और व्रत से लैस मेरे सामने बैठी थी, मानो ये तीन ताले थे जिनके बाहर मैं खड़ी थी। शायद इनके इन्हीं तीन अस्त्रों से शर्मा जी अभी तक इनके पति रह आए थे। ये तीन खड़ग थे जिनसे ये शत्रुओं का वध करती रही थी। मैं अपने बॉस के बारे में बहुत कम जानती थी। मैं अनुमानों से भरी हुई थी। मैं अभी सोच ही रही थी कि बात भी की जाए या सिर्फ चाय पीकर चल दूं कि मिसेस शर्मा ने धीरे धीरे कार्यवाही शुरू की। आजकल दफ्तरों में बड़ा करप्शन फैल गया है। मैं चुप। लड़कियों का चरित्र तो रह ही नहीं गया है। लड़कियों का कौन सा रह गया है? मैंने मुंह खोला। लड़कों का क्या? पीठ पूँछ झाड़ कर वैसे के वैसे, पर लड़कियों को तो सोचना चाहिए। सामने वाले मकान में रहती है एक, दफ्तर से रोज रात 11 बजे लौटती है। बताओ आधी रात में कौन दफ्तर बंद होता है? ये कहते हैं नाइट ड्यूटी करती है। लड़कियों से कौन कराता है नाइट ड्यूटी? जिसे देखो वही चालू हो गई है। उन्होंने कुछ ऐसे मुंह बनाया जैसे उन्हें कोई गंदी चीज आंखों के आगे घटित होती दिख रही है। मैं बहुत डर गई। मुझे ऐसा लगा जैसे अब मुझ पर प्रहार होने वाला है। मुझे यह भी लगा जैसे मिसेस शर्मा के मन में यह खटका था कि शर्मा जी मुझ पर प्रेम दृष्टि रखते हैं। तभी तो यह पता नहीं रही थी कि शर्मा जी लखनऊ से कब लौटेंगे। मेरा अपराध सिर्फ इतना था कि मैं शर्मा जी की स्टेनो थी। मेरी उम्र 25 थी, मेरा विवाह अभी नहीं हुआ था और उपनिदेशक ने मुझे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर कराने के लिए यहाँ भेज दिया था। 25 साल की उम्र की 25 परेशानियाँ थी, जिनमें से कुछ इस वक्त बुरी तरह से खटक रही थी। इन दिनों लड़कियों के बीच मैं औरत और औरतों के बीच लड़की गिनी जाने लगी थी। सच्चरित्र स्त्रियों में मुझे दुष्चरित्र और दुष्चरित्र स्त्रियों में कुछ सच्चरित्र समझा जाने लगा था। किसी भी वर्ग से संवाद का सिलसिला बैठ नहीं पा रहा था। मोहल्ले की छोटी लड़कियां मुझे अब आंटी कहने लगी थी, जबकि मैं स्वयं अभी बहुतों को आंटी कहने की मना स्थिति में थी। इन सब खतरों के बीच मैं इस वक्त भी बैठी थी। मिसेस शर्मा मुझे मर्मभेदी दृष्टि से देखती हुई तहकीकात कर रही थी कि दफ्तर में कुल कितनी लड़कियां स्टाफ पर हैं, उनमें से कितनी विवाहित हैं, कितनी अविवाहित, कितनी परित्यक्ता और कितनी विधवा, विवाहितों में कौन कौन सुखी अथवा दुखी हैं। वे यह छीछा लेकर क्यों कर रही थीं? क्या मैं ही मिली थी शिकार? यह क्या वजह है कि टाइपिस्ट वाइपिस्ट जल्दी शादी नहीं करती? उन्होंने कहा। मैं बहुत डर गई। पर तुम तो ऐसी नहीं लगती, जमाना बहुत खराब है। लड़की का पांव जरा फिसला नहीं कि फिसलता चला जाता है, उम्र भर रोना पड़ेगा। फिर मैं और भयभीत हो उठी। वे अपने जप तप और व्रत से ही क्यों नहीं सीधे सीधे मुझे भस्म कर देती? क्यों ऐसी की तैसी कर रही हैं? अगर मैं पापी हूँ तो उनके ताप से निश्चित जल जाऊंगी। मैंने भस्म हो जाने के लिए खुद को तैयार किया। ठीक है, लग जाने दो यहीं ड्राइंग रूम में, इस महंगे कालीन पर मेरी राख का ढेर। पड़ा रहने दो मेरे वेतन का अगला पे बिल।
कल के सिनेमा के टिकट मेरे पर्स में पड़े फड़फड़ाने दो। आज एक सती अपने सतीत्व से मुझे नष्ट कर डालेगी। मुझे सिर्फ इतना अफसोस रहेगा कि कभी दिल खोलकर गुनाह भी न किया। मौके तो कई आए पर हर मौके को शादी के लालच ने पीछे धकेल दिया। जैसे दफ्तर का ही वह नया पैक्स जो अक्सर मुझे शाम को अपने स्कूटर पर लिफ्ट दिया करता था। अपने मोटे पेट और पक्के बालों के बावजूद वह अविवाहित था और रोमांस के हौसले उसने हारे नहीं थे। सिलसिला वहां जाकर एकदम टूट गया जब वह मेरे FD की जानकारी चाहने लगा, जबकि मैं उसकी VD की जानकारी चाहती थी। उसने तत्काल स्कूटर सेवा सस्पेंड कर दी और मैं बस के क्यू में शामिल होने लगी। मैं अपने अफसर शर्मा जी को उनके जूतों की चमचमाहट से पहचानती थी या उनकी पॉलिस्टर कमीज के महंगेपन से। मुझे तो ठीक ठीक यह भी याद नहीं था कि उनके कितने प्रतिशत बाल पके हुए थे और कितने कच्चे। फिर शर्मा जी पेट के पुराने रोगी। मिसेस शर्मा को खुद सोचना चाहिए कि एक अफसर जिसे दफ्तर में कम से कम 4 बार पाखाने जाने की ज़रूरत पड़ती हो कैसे रोमांस विकसित कर सकता है। कम से कम दफ्तर में जहां अक्सर यह मजाक चलता है कि बॉस का केबिन पाखाने में शिफ्ट कर दिया जाए तो कैसा रहे। निजी तौर पर शर्मा जी से किसी को कोई शिकायत नहीं थी। वे न बदमिजाज थे न खुश मिजाज, न वे किसी से राग रखते थे न द्वेष। देर से दफ्तर आते थे, जल्दी घर जाते थे। मातहतों को और क्या चाहिए। केबिन और पाखाने के बाहर के दफ्तर से उनका बहुत सीमित सरोकार था। उन्हें फाइलों पर हस्ताक्षर करना आता था और तारीख डालना। उन जैसे रोगी और जोगी के बारे में इसे शर्मा का इतना व्यग्र होना प्रेमातिरेक के सिवा कुछ भी नहीं था। मिसेस शर्मा कान खुजाने लगी। उनकी कमर में लटका चाबियों का गुच्छा झनझना उठा। 2 लंबी चाबियां थी, शायद अलमारी की, 1 ठिगनी शायद सेफ की, 2 काली शायद बाहरी तालों की और 1 पीली शायद रसोई की अलमारी की। मेरा मन हुआ कहूँ 1 ताला शर्मा जी की पैंट की पेटी में अटकाकर उसकी भी चाबी अपने गुच्छे में लटका लीजिए और चैन की नींद सोया कीजिए मिसेस शर्मा, व्रत के सहारे कब तक पति को साधे रहेंगी। पर मैं घुन्नी बनी बैठी रही। बॉस की बीवी को नाराज करने लायक हिम्मत और हिमाकत मुझ में कहाँ। मिसेस शर्मा टकटकी लगाए मेरे चेहरे की ओर देख रही थी, मानो मेरा चेहरा एक किताब हो जिसमें उन्हें अपने पति का हिसाब किताब मिलने की आशंका हो। मेरी मुश्किल यह है कि कोई मेरे चेहरे को लगातार देखे तो मेरे होंठ खुद ब खुद कांपने लगते हैं, तबीयत रोने रोने को हो आती है और पैर उठने से इनकार कर देते हैं। घर पर बड़े भाई बहनों ने अक्सर मुझे इसी पद्धति से रुलाया है। शुक्र है मिसेस शर्मा बोली तो, अगर वे कुछ पल भी और मुझे घूरती मैं कहीं की न रहती। तुम शादी कब कर रही हो, उन्होंने नरमी से कहा। मुझे हंसी आने को हुई, एक समझदार हंसी जो मुझे दुनियादारी में लौटा लाई। मूर्ख मिसेस शर्मा, क्या वे नहीं जानती कि हमारे यहाँ लड़कियाँ शादी करती नहीं हैं, उनकी शादी हो जाती है। बिल्कुल वैसे जैसे कोई अपने को खांसी करता नहीं है, खांसी हो जाती है। फिलहाल तो मेरी शादी के लिए दूर दूर तक कोई सुरमा नज़र नहीं आ रहा था। मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके थे, उनका संपर्क सिर्फ बूढ़ों से था। मेरे भाई विवाहित थे, उनका संपर्क सिर्फ विवाहितों से था। मेरी बहनें बाल बच्चे वाली थीं, उनका संपर्क सिर्फ बाल बच्चे वालियों से था। सबके सब व्यस्त थे। मिसेस शर्मा त्रस्त थीं। मिसेस शर्मा बड़ी आकुलता से मेरी तरफ देख रही थीं। कोई मिलता ही नहीं इस लायक, मैंने संकोच से कहा। तुम्हें पसंद ही नहीं आता होगा, आजकल हर लड़की आला अफसर चाहती है। खुद कुछ हो ना हो लड़का IAS चाहिए, PCS चाहिए। ज़्यादा मीन मेक निकालना अच्छा नहीं होता, जो सामने आए उसी से कर डालनी चाहिए। कुछ अपनी भी किस्मत होती है, क्या कहते हैं, शादी तो बस अंधेरे में छलांग होती है। छलांग लगाने की भी एक उम्र होती है, नहीं तो सीधे हाथ गोड़ टूट जाते हैं। मैं कहने वाली थी पर रुक गई। शादी के खिलाफ बोलना नादानी हो ना हो बेईमानी जरूर मानी जाएगी।
शादी मेरी होनी थी, तनाव मिसेस शर्मा झेल रही थी। मैंने बड़ी दिलेरी से कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, माँ भी यही कहती हैं। उन्होंने एक लड़का देखा है वहीं बिहार में, आजकल लेन देन को लेकर बातचीत चल रही है, उम्मीद है इस बार मामला पट जाएगा। सर अगर छुट्टी दें तो मैं एक बार घर हो आऊँ। मिसेस शर्मा के चेहरे पर खुशी और हंसी एक साथ चमक गई। यह तो बड़ी अच्छी बात है, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम्हें छुट्टी मैं दिला दूंगी, तुम तैयारी तो करो। तो ये आप सुन रहे थे ममता कालिया जी द्वारा लिखी गई कहानी 25 साल की लड़की, रेनू की आवाज़ में। ऐसी अनोखी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू।